मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा फ्रॉम माधुष्मा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर, योर असिस्टेंट टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर सिविक्स चैप्टर 5. चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे जो था पंचायती राज. पंचायती राज मीन्स, कल हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, कि जो ग्राम सभा होती उसकी एक मीटिंग थी, है ना, और उस मीटिंग के अंदर जो उस विलेज आसपास के जितने भी विलेज उस पंचायत में आते हैं वो सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं उसके अंदर. दोज हु आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो सभी क्या कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उस ग्राम सभा की जो मीटिंग है उसको स्टार्ट किया गया किससे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि कोई रोड कनेक्ट करना है किसी शहर से, उसके साथ साथ वाटर की जो शॉर्टेज है उसको शॉर्ट आउट करना था. तो अलग अलग डिस्कशन जो था वो चल रहा था. अब आ जाओ आप पेज नंबर 44 पर. 44 पेज नंबर पर देखो, ऊपर जो ब्रैकेट है, ब्लॉक्स है, उसमें क्या दिया हुआ है. एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स. ये जो अलग अलग पंचायत होती है उसमें डिवाइडेड होती है वार्ड्स में, दैट इज स्मॉलर एरिया. ईच वार्ड इलेक्ट से रिप्रेजेंटेटिव. हर एक वार्ड का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है. हु इज नोन एज वार्ड मेंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर या पंच पे. ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच. सभी ग्राम सभा के मेंबर्स जो है वो किसको इलेक्ट करेंगे, सरपंच को इलेक्ट करेंगे. हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जो उस पंचायत का प्रेसिडेंट कहलाता है. ठीक है, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत. वार्ड पंच और सरपंच दोनों से मिलकर क्या बनता है, आपका ग्राम पंचायत बनता है. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years. ग्राम पंचायत जो है वो कितने टाइम पीरियड होता है उसका, 5 years का. 5 years के लिए इलेक्टेड होती है, 5 साल के लिए वो काम करती है. द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है और वो ही सेक्रेटरी कहलाता है किसका, ग्राम सभा. दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. ये जो सेक्रेटरी होता है वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट का एक पर्सन कहलाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल कहलाएगा. द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा. सेक्रेटरी क्या करता है, मीटिंग बुलाने का काम करता है सेक्रेटरी. एंड ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होगी वो सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा. एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और जो भी काम किया जाता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में या मीटिंग के अंदर, उसमें जो भी चीजें की जाएगी उस सब का क्या बनाएगा, वो एक रिकॉर्ड बनाएगा. ठीक है, तो मीटिंग चल रही थी ग्राम पंचायत की. ए विलेजर कॉल्ड तीजिया. तीजिया कौन थी, उस गांव में रहने वाली एक लेडी थी. Begins the meeting by saying, उसने उस मीटिंग की शुरुआत की ये कहते हुए कि the water problem in Hardas. Hardas क्या है, एक विलेज का नाम है, कि यहाँ पर जो वाटर की प्रॉब्लम है has become very acute. ये बहुत बढ़ती जा रही है. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground water has been reached. कि हैंड पंप का जो पानी वो इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि हम कितना भी, जो ड्रिलिंग पॉइंट है ना जहां तक हैंडपंप लगाया गया है उस पॉइंट से भी वो नीचे जा चुका है. अब हैंडपंप में भी पानी नहीं आ रहा है. वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स. हमें नलों में बहुत मुश्किल से पानी मिल पाता. वुमन हैव टू गो टू द सुरू रिवर. वुमन्स जो है उन्हें सुरू रिवर जाना होता है, विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर, जो कि हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर है. One of the members suggest piping water from the sewer and making an overhead tank in the village to increase the supply. उनमें से एक पर्सन, मीटिंग चल रही थी, गांव के सभी लोग बैठे थे वहां पर, उसी में से एक तिजिया ने जब ये पानी की सब प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो वहीं पर दूसरा मेंबर क्या कहता है कि हम क्या कर सकते हैं. उसने सजेशन दिया कि जो सुरू रिवर है जहां से लोग पानी लेकर आते थे वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे विलेज से, तो हम वहां से पाइपिंग कर सकते, पाइप कनेक्ट कर सकते हैं उस पानी में, और फिर उसके बाद में हमारे गांव के अंदर उस पाइप से पानी कनेक्ट करके गांव के अंदर एक टैंक बना दिया जाए और वो पानी जो है वो टैंक में फिल हो जाए, टैंक में भर दिया जाए टू इंक्रीज द
सप्लाई, और फिर उस टैंक से लोग क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, है ना, ऐसा किया जा सकता है. बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव. लेकिन दूसरे क्या बोल रहे थे कि अगर पाइपिंग वगैरह की जाएगी तो इससे क्या होगा, बहुत महंगा पड़ेगा. इट इज बेटर दे फेल टू डिपेंड द हैंडपंप एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन. कि उन लोगों ने क्या सोचा, इससे अच्छा तो हैंडपंप्स और लगवा दिए जाए और उसके साथ साथ जितने भी वेल्स है यानी कि कुएं वगैरह है उनको साफ करवा दिए जाए इस सीजन के लिए, इस मौसम के लिए. टीजिया सेज दिस इज नॉट इनफ. टीजिया ने क्या करता था कि इतने से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर. कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि परमानेंट हो, क्योंकि जो पानी है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. We were using more water than is seeping into the ground. यानी कि जितना पानी हम उसमें से निकाल कर लेकर आते हैं हमें पानी की उससे ज्यादा जरूरत है ना, और उससे ज्यादा ही यूज किया जा रहा है. अनदर मेंबर, दूसरा मेंबर जिसका नाम क्या था, अनवर, that tells everyone, उन्होंने सबसे क्या कहा, that he has seen ways of conserving water. कि उन्होंने पानी को कंजर्व करने का मेथड देखा है, तरीका देखा है. एंड रिचार्जिंग इट इन ए विलेज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के एक विलेज के अंदर उन्होंने, अगर कहीं पर पानी का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर देखा है. Where he had once gone to visit his brother, जहां पर वो एक बार गए थे अपने भाई से मिलने के. It was called watershed development, और उसे हम क्या कहते हैं, watershed development कहते हैं. And he had heard that the government gave money for this. और उन्होंने ये भी सुना है कि इस काम के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है. In his brother village, people had planted trees. उनके ब्रदर के विलेज में जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं. कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, और उसके साथ साथ जगह जगह पर डैम्स और टैंक बनाते हैं. ठीक है, डैम्स जो है रिवर वाटर को कंट्रोल करने के लिए और टैंक्स बनाया जाता है जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं. एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया. सब क्या सोच रहे थे, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है. And the gram panchayat was asked to find out about it in detail. और ग्राम पंचायत से ये कहा कि आप इसके बारे में और जानकारी लें डिटेल में, अब आप इसके बारे में सर्च करें. The next item on the agenda for the gram sabha is the finalization of the list of people below the poverty line. एक तो प्रॉब्लम थी पानी की, वो उन्होंने डिस्कस कर ली वहां पर. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल में जो आते, जो कि गरीबी रेखा से नीचे, which had to be approved by the ग्राम सभा, जिसे अप्रूव करना था किसको, ग्राम सभा को. As soon as the list is read out, people begin to whisper. जैसे जैसे लोग लिस्ट पढ़ रहे थे कि कौन कौन बीपीएल में आते हैं, तो उन सबका नाम पढ़ा जा रहा था उस लिस्ट में से. जैसे ही नाम पढ़ा जा रहा था, लोग क्या कर रहे थे, आपस में बोलते ना कि कानाफूसी करने लगे. किसी एक पर्सन का नाम सुन के लोग क्या करने लगे कि अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए था इसका नाम, ये तो बीपीएल में आता ही नहीं है. कई बार ऐसा होता है ना, कोई नाम हम सुन लेते फिर आपस में जिसको बोलना होता है उसको नहीं बोलते, आपस में ही बातें करने लग जाते हैं कि अरे इसका नाम कैसे आ गया, इसका नाम क्यों दे दिया, इसका नहीं आना चाहिए था, ऐसे करते हैं ना. सो नटवर हैज जस्ट बॉट ए कलर टी, यानी कि लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, नटवर का नाम आ गया उस लिस्ट के अंदर. तो नटवर का नाम कैसे आया, उसने तो अभी अभी कलर टीवी खरीदा है. अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है तो उसके पास तो टीवी के पैसे नहीं होने चाहिए थे. एंड हिज सन हैज सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल, और अभी उसके बेटे ने उसके लिए नई मोटरसाइकिल भेजी है, तो वो बीपीएल में कैसे हो सकता है. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हो सकता है. सूरजमल मटर्स टू द पर्सन. सूरजमल जो कि उस मीटिंग के अंदर बैठा था, वो भी दूसरे पर्सन से बात कर रहा था, सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, जो कि उसके पास बैठा था उससे. सरोज सेज टू सुखी बाई, सरोज ने सुखी बाई से कहा, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, यानी कि बिरजू का नाम इसमें कैसे आया. He has so much land, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है. This list should have only poor people. ये लिस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो सिर्फ पुअर पीपल है, जो
गरीब लोग हैं उन लोगों का नाम इसमें आना चाहिए था. एंड ओम प्रकाश इज ए लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट. और ओम प्रकाश जिसके जिसके पास कोई जमीन भी नहीं है और उसके साथ साथ वो अपनी जरूरतों को भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पाता है, यानी कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो खाने के पैसे भी जुटा सके. Yet his name is not in the list, यानी कि फिर भी उसका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है. You know that both Natwar and Birju are friends of Ameer Chand. यानी कि आप जानते हो कि Natwar और बिरजू दोनों किसके फ्रेंड है, अमीर चंद. Who can counter Ameer Chand power? अमीर चंद के पावर को कौन नहीं जान सकता. सुखी भाई ने कहा अमीर चंद was the earlier जमींदार. अमीर चंद कौन था, पुराना जमींदार of the village and still has control over a lot of land. यानी कि उस गांव का जमींदार था और उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारी जमीन है. But we should get Om Prakash name for him. लेकिन हमें इसमें चाहे किसी का भी नाम हो नहीं हो, Om Prakash का नाम इसमें जरूर लिखवाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है. The sarpanch, president, panchayat president, noticed people whispering and asked if anyone has anything to say. जब सरपंच ने देखा कि लोग इस लिस्ट में नाम सुनकर आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या पूछा सरपंच ने कि क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ कोई कहना चाहता है. तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू. सरोज ने सूरजमल को बोलते ना कि उत्साह देते हैं कि अरे तू बोल तू बोल तू बता उसके बारे में तू बोल दे, ऐसे बोलते हैं ना. तो इस तरीके से सूरजमल को कहा कि नटवर और बिरजू के बारे में तुम पूछो. बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा. अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा. उस ग्राम सभा के अंदर अमीर चंद भी बैठा था. अमीर चंद कौन था, जमींदार था ना, तो वो भी बैठा हुआ था उस मीटिंग के अंदर. कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, जो कि सबको देख रहा था कि कौन बोलेगा मेरे खिलाफ. Then Saroj gets up and says that. Saroj खड़ी होकर क्या बोली कि that Om Prakash name should be in the BPL list. कि Om Prakash का नाम इस list के अंदर होना चाहिए. Others agree that he and his family are very poor. बाकी सब भी ये agree थे कि वो सच में गरीब है, इस list का नाम है होना चाहिए. The sarpanch asked how his name had been missed out. कि सरपंच ने कहा कि उसका नाम कैसे छूट गया इससे. इस लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है. द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर. कि जिस टीचर ने ये सर्वे किया था कि कौन विलेज के अंदर बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं ओम प्रकाश के घर गया था तब उनके यहाँ लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ. He may had gone somewhere to look for work. वो शायद कहीं गया हुआ होगा किसी काम के, कोई काम ढूंढने. The sarpanch gives instruction that Om Prakash family income be looked at and if it is less than what has been declared decided by the government, his name should be included in the list. कि सरपंच जो थे उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम कितनी है उसको चेक किया जाए. अगर उसकी फैमिली की इनकम जो बीपीएल डिसाइड किया गया है कि कितना होना चाहिए, अगर उससे कम है तो उसका नाम इस लिस्ट के अंदर जरूर दिया जाए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 46 पर. द ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट. कि ग्राम पंचायत जो उनका मेन फंक्शन क्या है, मेन टास्क क्या है, कि जो भी विलेज से वो बिलोंग करते हैं उस विलेज के अंदर डेवलपमेंट करना, अगर उसमें जहां जरूरत है लोगों को प्रॉब्लम है उसमें चेंजेस करना, इम्प्लीमेंटेशन करना. एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत जिसे ग्राम सभा अप्रूव करती है. एंड इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी. कई स्टेट्स के अंदर ग्राम सभा जो है उनकी अलग अलग कमिटी बनाई जाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट. कंस्ट्रक्शन मीन्स कहीं पर रोड बनाना है, कहीं स्कूल बनाने हैं, कहीं पर पार्क बनाना है, ये सारी चीजें. द
दिस कमिटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क. यानी कि ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत को ये काम देती है और अलग अलग मेंबर्स में उनके वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग वर्क पर्सन जो है वो अपने टास्क को स्पेसिफिक तरीके से उसको फॉलो करते हैं. लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू. अब देखो ग्राम पंचायत जो हरदास विलेज की जो पंचायत है वो लोग क्या कर सकते थे. डू यू रिमेम्बर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज. हरदास विलेज के अंदर जो ग्राम सभा की मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर लोगों ने सजेशन दिए थे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए. क्या सजेशन दिया था कि सुरू रिवर से पाइपलाइन लगाकर एक टैंक बनाया जा सकता है जिसमें हम पानी को कलेक्ट करेंगे और उसके अलावा कुछ टैंक्स बनाए जाए जिसमें हम बारिश के पानी को कलेक्ट करेंगे. ठीक है. सो व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग दिस पॉइंट वॉज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स. जब ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई तब उन लोगों ने फिर से इस पॉइंट को लेकर आए थे सामने. दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंच. इस मीटिंग में कौन था, सरपंच था, वार्ड मेंबर थे और उनके साथ में सेक्रेटरी था. ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड टू हैंडल. ग्राम पंचायत जिन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कस करके सजेशन दिया कि हम क्या करते हैं, दो हैंडपंप लगा देते हैं या फिर एक और क्या कर सकते हैं उसके साथ साथ एक कुएं को साफ कर देंगे. सो दैट द विलेज नॉट गो विदाउट वाटर, वुडंट गो विदाउट वाटर, ताकि गांव के लोगों को बिना पानी के नहीं रहना पड़े. द सरपंच सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपंप दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क. कि सरपंच ने क्या सजेशन दिया कि जैसा कि पंचायत को कुछ पैसे दिए गए हैं किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए. मेंटेनेंस मींस कहीं हैंडपंप ठीक करना है, रोड ठीक करनी है, स्कूल ठीक करना है, तो उस मेंटेनेंस के जो पैसे आए हैं उसको यूज किया जाए इस काम. द मेंबर एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिसीजन. सारे मेंबर एग्री हो गए और सेक्रेटरी ने उस चीज को रिकॉर्ड कर दिया. इसका काम यही था कि मीटिंग किस पर्पस से, क्या होने वाला था, क्या डिसीजन लिया गया, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड कौन रखता है, सेक्रेटरी. सो द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. फिर उसके बाद में वो मेंबर्स जो थे उन्होंने आगे के लिए सोचना शुरू किया कि एक बार तो ये हैंडपंप लगा देते लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि उसका पानी तो कुछ दिनों के लिए उनके पास आएगा, फिर से उसका लेवल नीचे चला गया तो हैंडपंप में पानी आना बंद हो जाएगा, तो आगे हमें क्या करना है. दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग. वो श्योर थे कि ग्राम सभा फिर से उनसे मीटिंग में पूछेगी, किसको, ग्राम पंचायत को और ग्राम जो सरपंच है. सरपंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक ए सस्टेनेबल डिफरेंस टू द वाटर लेवल. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on this. कि उन लोगों ने क्या discuss कर रहे थे, सरपंच और जो वहाँ के members थे, उन लोगों ने क्या discuss किया कि क्या हमें watershed management program शुरू करना चाहिए. Watershed management program क्या होता है कि जिसमें हम बारिश के पानी को collect कर सकते हैं और कलेक्ट करने के बाद में विलेजर्स में सप्लाई कर दिया जाए, है ना. तो उसे हम क्या कहेंगे, वो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कहलाते हैं. ठीक है, जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाए और फिर विलेजर्स में सप्लाई कर दिया जाए. तो इस पर डिस्कस किया गया, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, वो हमें इस स्कीम की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे हमें काम करना चाहिए. उसके बाद में देखो आप, थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत. फिर देखो ऊपर दिया हुआ है कि फिर उसके बाद में डिस्कस किया गया और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसको बना दिया गया विद इन टू इयर्स, यानी कि दो साल के अंदर. फिर देखो आता है आपका थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत. पंचायत के कितने लेवल्स होते हैं, थ्री लेवल्स होते हैं. आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो अभी हरदास विलेज के बारे में हमने पढ़ा, वहां की कंडीशन के बारे में जाना, तो क्या देखा, पंचायती राज सिस्टम. यहाँ से करना है आपको
कि पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट, जिससे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है इसको। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर ऑन द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फर्स्ट टायर है वो क्या था? पंचायती राज सिस्टम। पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। पंच और ग्राम पंचायत किसको जवाब देंगे? ग्राम सभा को। कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर उन्हें किसको देना होता है? ग्राम सभा को, बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। क्योंकि ग्राम सभा ही किसको इलेक्ट करती है? पंच को और ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड इन टू अदर लेवल, यानी कि यही पार्टिसिपेशन जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसी के कारण इस पंचायती राज सिस्टम को अलग टू लेवल्स में भी डिवाइड किया गया। वन इज द ब्लॉक लेवल हु इज कॉल्ड द जनपद पंचायत एंड और द पंचायत समिति। एक तो क्या कहलाएगा आपका? जनपद या फिर पंचायत समिति कहलाता है। द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर। पंचायत समिति की अंडर में, पंचायत समिति जहाँ होती है उसके अंडर में बहुत सारी पंचायत जो होती है वो उनके अंडर में काम करती है। Above the पंचायत समिति is the district पंचायत। पंचायत समिति के ऊपर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान। जिला परिषद जो है वो क्या करती है? डेवलपमेंट प्लान्स करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो जिला परिषद करेगी। With the help of panchayat samiti, it also regulate the money distribution among all the gram panchayat. Panchayat samiti ki madad se jila parishad jo hai, unme gram panchayat ke jitne bhi log hote hain, sab mein kya karti hai? Money divide karti hai. Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws. Yani ki constitution ke according, har ek state ka apna ek niyam hota hai, apne laws hote hain. With regard to panchayat, जो कि पंचायत से related है, क्योंकि आप देखोगे हर एक स्टेट के अंदर villages तो present होते हैं ना, ये तो है नहीं खाली शहर ही शहर होते, गांव भी होते होंगे। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. और ये जो idea वो क्या है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं? Participate कर सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। फर्स्ट लिखना है आपको सेकेंड है आपका थर्ड वर्ड है एजेंडा, फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ वर्ड है सेवेंथ वर्ड है एट्थ वर्ड है सब्सटेंशियल नाइन्थ वर्ड है आपका सिस्टम ठीक है। तो ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स जो है इनकी मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, उसके साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी प्रेयर नोटबुक में करने हैं।
ओके स्टूडेंट्स,